तो इसलिए ठाकुरगंज विधानसभा के लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव के लिए उसको एक मजबूत निडर बेखौफ बेबाक लोग इससे बहुत खफा है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि वहाँ के एक ग्रामीणों ने विधायक जी को घेराव भी किया था, उनका उद्घाटन किए थे माननीय विधायक नौशाद आलम साहब ने। सोच सकते हैं कि हमारे ठाकुर विधानसभा का क्या हाल हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं। मैं सारे लोगों को देख रहा हूँ, सबको परख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं उनमें से बेहतर हूँ, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अचानक इलेक्शन का समय आया है मैं उठ के आ गया हूँ, मैं जमीन से लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लोगों को मुद्दा को लेकर सड़क से लेकर के प्रशासन तक के बीच में जाता हूँ और उसको बहुत हद। लेकिन बिहार की ये निकम्मी सरकार, ये नीतीश कुमार, ये मजदूरों का, ये किसानों का दुश्मन है, ये इतना बदलाव चाहती है और जनता चाह रही है कि एक नया चेहरा, एक दबंग चेहरा, एक युवा और युवा जोश आए। इस समय हमारे साथ असद इकबाल साहब हैं, जो ठाकुरगंज विधानसभा से अपने आप को एमआईएम का प्रत्याशी खुद घोषित कर चुके हैं। आपसे सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आपने क्या सोच के अपने आप को एमआईएम का प्रत्याशी घोषित किया? दूसरा ये कि क्या ठाकुरगंज की जनता आपके साथ है? आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बताइए थोड़ा। सबसे पहले आपका, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया इसमें। कि मैं मुद्दा क्या बताऊँ, ठाकुरगंज विधानसभा में मुद्दे ही मुद्दे हैं। वहाँ एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बुरा हाल है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, एग्रीकल्चर किसान बहुत परेशान है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन सबसे अहम मुद्दा है वहाँ आपका एजुकेशन। एजुकेशन का स्तर को बेहतर करने के लिए मेरे पास बहुत सारी प्लानिंग है। मैं एजुकेशन पे पिछले 5 सालों से ग्रास रूट पर काम कर रहा हूँ और बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहा हूँ। और रही सवाल किसानों का मुद्दा को लेकर, और किसानों का मुद्दा को लेकर मैं बहुत ही हमेशा किसानों के बीच रहता हूँ। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, खेती किया हूँ, इसलिए किसान का दर्द मुझसे ज़्यादा नहीं हो सकता है शायद और लोगों को, इसलिए मैं इसको बड़ी बारीकी से जानता हूँ और इसको समझता हूँ। तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी प्लानिंग है, नई नई तकनीकी से किसानों को खेती करवाना है, गवर्नमेंट का बहुत सारी स्कीम है जो किसानों के लिए आया है, उन चीज़ों को, उन लोगों को अवगत करा करके एग्रीकल्चर में एक रेवोल्यूशन लाना है, एक क्रांति लाना है। तो हमारे पास प्लानिंग है, लोगों के रोजगार के लिए हमने बहुत सारा काम कर रहा है, हमारे पास खाका है। अभी हम लोग मक्का प्रोसेसिंग प्लांट के लिए भी डीएम साहब से मिले हैं, देखिए इंशाल्लाह वो भी। देखिए ये सब तो है चुनाव से पहले नेता लोग कहते हैं बोलने की बात, लेकिन जमीन स्तर पे कितने लोग उतर पाते हैं वो तो बाद में देखा जाता है। मेरा सवाल ये भी है कि वहाँ से विधायक हैं, अभी जेडीयू के विधायक हैं, तो आप उसको किस तरह से हरा पाइएगा? आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से आएंगे, ये डिसाइड भी नहीं है कि आपको टिकट मिलेगा अभी कि नहीं? बिल्कुल ये बात सही है। देखिए मैं नहीं हराऊंगा माननीय नौशाद आलम साहब को, जो जदयू के विधायक हैं, पिछले 10 साल से उन्होंने वहाँ विधायक हैं, उनके जो काम किए हैं उससे लोग बहुत नाखुश हैं, क्योंकि कुछ भी विकास काम नहीं किया है। तो इसलिए ठाकुरगंज विधानसभा के लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव के लिए उसको एक मजबूत निडर बेखौफ बेबाक चेहरा की जरूरत। क्या विकास नहीं किया वहाँ? सड़क नहीं बनी है? अच्छा सड़क नहीं बनी है आपका जगह के किसानों के लिए, आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। वहाँ का हेल्थ सिस्टम, स्वास्थ्य सिस्टम इतना खस्ता से खस्ता और बुरा से बुरा हाल है, वो जग जाहिर है, लोग इससे बहुत खफा है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि वहाँ के एक ग्रामीणों ने विधायक जी को घेराव भी किया था, कि क्योंकि आप सोचिए एक विधायक को अगर घेराव करना और वो सत्ता पक्ष में है अभी, तो अच्छा वहाँ चचरी पुल का भी कुछ मसला था, वो मसला क्या हल हुआ कि अभी भी वैसे चचरी पुल? उन्होंने खुद चचरी पुल का उद्घाटन किए थे माननीय विधायक नौशाद आलम साहब ने। आप सोच सकते हैं कि हमारे ठाकुर विधानसभा का क्या हाल हो सकता है, जो आज आज़ादी के 70 साल बाद भी अगर चचरी पुल का उद्घाटन एक विधायक करे तो आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपका एक सवाल था कि आप क्यों लड़ना चाहते हैं, आपको पार्टी क्यों टिकट देगी, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं। मैं सारे लोगों को देख रहा हूँ, सबको परख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं उनमें से बेहतर हूँ, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अचानक इलेक्शन का समय आया है मैं उठ के आ गया हूँ, मैं जमीन से लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लोगों को मुद्दा को लेकर सड़क से लेकर के प्रशासन तक के बीच में जाता हूँ और उसको बहुत हद तक हल करने का। अच्छा अभी बात हो रही है मक्का की खेती के बारे में, किसान परेशान है, इस बारे में आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल मक्का को लेकर के मैं पिछले 2 महीना से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से मिलकर के, डीएम साहब से भी हम लोगों ने एक किसान कोऑर्डिनेशन टीम मिला। लेकिन यहाँ एक बारीकी चीज़ है, क्योंकि मक्का जो हमारे बिहार में जो पैदावार होती है, इसको MSP के तहत, जिसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में, ये सरकार नहीं लिया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसको 1850 रुपये क्विंटल इसको अप्रूव कर चुका है। लेकिन बिहार की ये निकम्मी सरकार, ये नीतीश कुमार, ये मजदूरों का, ये किसानों का दुश्मन है, ये उनके चहेती, उनका हितेशी नहीं है। आज ये चाहती तो अगर यही वही 1850 रुपया अगर बिहार के नीतीश कुमार भी उसको अगर यहाँ उसको अप्रूव कर देती और उसको यहाँ लागू कर देता, तो हमारे किसानों को 1850 रुपये क्विंटल सरकारी रेट यहाँ मिल सकता था। जितनी समस्या आप गिना रहे हैं, अगर इतनी समस्या सच में है, तो क्या आप लगता है ठाकुरगंज की जनता जो है वो दूसरा विकल्प चुनेगी, बदलाव करेगी? जी बिल्कुल, जनता पूरी तरह बदलाव के मूड में है, जनता बदलाव चाहती है।
और जनता चाह रही है कि एक नया चेहरा, एक दबंग चेहरा, एक युवा और युवा जोश आए जो बदलाव सके, क्योंकि पिछले 70 साल से तो हमने वहाँ चेहरा बदला, एमएलए बना, लेकिन किसी ने विधानसभा की हालत बदलने की कोशिश नहीं। आखिरी सवाल यह है कि अगर आपको एमआईएम पार्टी टिकट नहीं देती है तो फिर आपका क्या रुख रहेगा? नहीं, मुझे भरपूर उम्मीद है हमारे पार्टी के आला कमान पे, हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर रहमान साहब पे, इंशाल्लाह हमें वो टिकट देगी, नहीं देगी तो उनके फिर उनका जो बेहतर फैसला होगा हम उनके साथ हैं। यानी कि आप उनके फैसले के साथ रहेंगे? ठीक।